अस्सलाम वालेकुम, मैं उवैस मसद्दीकी जो कि वेलकम करते हैं अपने YouTube चैनल इवॉल्व विजन क्लब ट्यूटोरियल में आप सब लोगों का। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल में पेज लेआउट टैब को स्टडी करेंगे कि किस तरह हम अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं कि अगर हमारी कोई शीट प्रॉपर नहीं आ रही प्रिंट लेआउट पर प्रिंट करते वक्त, तो हम उसको किस तरह हम सेट कर सकते हैं कि वो हमारी तमाम पूरी शीट जो हो वो एक पेज पर प्रिंट पर आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास पेज लेआउट व्यू है, पेज सेटअप ग्रुप है, स्केल टू फिट है, शीट ऑप्शन का ग्रुप है। हम इन तमाम को आज के लेसन में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर लाइक और सब्सक्राइब करें, और याद रहे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाए। लेट्स स्टार्ट वीडियो। हमारा आज का टॉपिक है पेज लेआउट का। पेज लेआउट के टैब के अंदर हमारे पास है पेज सेटअप ग्रुप, स्केल टू फिट और शीट ऑप्शन। तो वहां पर सबसे पहले आ जाता है पेज सेटअप। पेज सेटअप हमारे पास क्या होता है, हमारे पास शीट ऐसी शीट है जो हमारे पास एक पेज पर नहीं आ रही, तो उनको अलाइनमेंट वगैरह मार्जिन वगैरह देखकर हम क्या करते हैं उसको एडजस्ट करते हैं। मार्जिन मीन्स स्पेसिंग, कवर करना, ज्यादा करना है कम करना, तो हम किससे कवर करेंगे, मार्जिन से। तो हमारे पास को इसके लिए हम कोई एक शीट ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे सैलरी शीट अवेलेबल है, यहाँ पे जो हम प्रीवियस हमने शीट हम देख के आ चुके हैं, हमने सैलरी शीट को स्टडी जब करा था। सैलरी शीट हमारे पास इस तरह की व्यू में हमारे पास आ रही है, कितनी बड़ी है इसको हमें प्रीव्यू में देखना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल पी मींस प्रिंट लेआउट पे हम इसको एक्सेस करके देखेंगे। जैसे मैंने इसको करा कंट्रोल पी तो मेरे पास कहाँ चला गया, प्रिंट लेआउट पर चला गया। आप देख सकते हैं प्रिंट लेआउट पे कहाँ आ रहा है, मेरे पास लॉन्ग तक के आ रहा है, बाकी एरिया क्या हो गया, कट गया मेरा एरिया। जो मेरे पास ऊपर जो आ रहा था वो यहाँ पे मार्जिन वगैरह लेटर वगैरह यहाँ पे भी आ रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे कुछ देखना है, आप चाहे यहाँ से देख लें, यहाँ पे पेज लेआउट पे जाकर आप मार्जिन सेट कर लें, या आप कंट्रोल पी करेंगे, कंट्रोल पी करके आप यहाँ पे मार्जिन सेट कर सकते हैं। कंट्रोल पी करने से फायदा ये होगा कि आपको व्यू हमारा हैंड टू हैंड नजर आएगा। तो हम जाते हैं यहाँ पे कि अभी नॉर्मल हुआ हुआ है, मीन्स कि नॉर्मल मार्जिन अप्लाई हुआ हुआ है। तो मैं यहाँ पे गया नॉर्मल मार्जिन पे अगेन, तो यहाँ पे क्या कर दिया व्हाइट, तो आप देख सकते हैं मैंने व्हाइट पे क्लिक करा तो थोड़ा सा आगे स्पेस चला गया और मेरा एक कॉलम जो हो गया क्या हो गया, हाइड हो गया, स्किप पे चला गया। अगेन चल जाता हूँ मैं यहाँ पे नैरो कर दूंगा, नैरो मीन्स बिल्कुल फिट हो गया थोड़ा एरिया में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास नैरो पे थोड़ा सा बिल्कुल क्या हो गया, माइनर सा गैप बाकी रह गया, बाकी कहाँ तक हम आ गए, नेट सैलरी तक आ गए हैं। सही, अगर मैं वापस बैक करूँ तो बैक पे आप जा सकता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल की करने के वापस अपने शीट पर आया तो आप देख सकते हैं एक लाइन आ रही है मेरे पास, डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन शो करती है कि मेरे यहाँ तक एक पेज लेआउट आ रहा है। तो कंट्रोल की प्रिंट व्यू पर लेकर जाऊंगा तो मैं यहाँ तक आकर क्या होगा, प्रिंट होगा, बाकी एरिया क्या हो गया, स्किप हो गया, मीन्स कट गया, बाकी एरिया मेरे पास प्रिंट लेआउट पर नहीं शो होगा। इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो चीज आप क्या कर सकते हैं, ओरिएंटेशन पे आ सकते हैं। अब ओरिएंटेशन क्या चीज है, ओरिएंटेशन हम पढ़ के आ चुके हैं पहले। ओरिएंटेशन टू टाइप की होती है, एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट हमारे पास अभी जिस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है वो कहलाती है पोर्ट्रेट। लैंडस्केप जैसे कर दूंगा, लैंडस्केप जैसे करूंगा तो ये एरिया जो आ रहा है आपके पास नजर आ रहा होगा डॉटेड लाइन, वो एरिया आगे मूव हो जाएगा, मीन्स कि ये लैंडस्केप क्या करेगा, वहां पर लैंडस्केप फॉर्म पर लेकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से स्किप होकर आगे जा चुका है, आगे कहाँ तक जो जा चुका है ये देख सकते हैं आप यहाँ तक। सही, अब मैं कंट्रोल पी करता हूँ यहाँ पे आकर, अब मेरा एरिया क्या हो गया, पूरी शीट मेरे पास एक पेज पर आ गई है। सही, अगेन हम चले आते हैं, अब मैं अगर करता हूँ क्या इसको पोर्ट्रेट फॉर्म, तो पोर्ट्रेट फॉर्म पर आप देख सकते हैं आगे मेरे पास इस फॉर्म पर आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पेज साइज। पेज साइज हमारे पास बहुत तरह के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप ले सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल साइजेस हमारे पास आ रहे हैं पेजेस के। यहाँ पे जिस तरह लेटर नॉर्मल हम जो यूज कर रहे होते हैं प्रिंट के लिए वो होता है लेटर एंड A4, आप ये कोई सा भी लेटर ले सकते हैं या A4 साइज ले सकते हैं। देन उसी के साथ हमारे पास आ रहा है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होता है, हमारे पास हम अगर अपनी शीट पर कोई बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं तो आप उसको भी बआसानी लगा सकते हैं बैकग्राउंड के थ्रू, लेकिन ये इमेज आपको प्रिंट लेआउट पर नजर नहीं आएगी, ये सिर्फ आपकी इमेज शीट पर नजर आएगी। जब मैं कंट्रोल टी करूंगा प्रिंट के लिए
तो प्रिंट पे नजर नहीं आएगी। तुम्हें जाते हैं प्रिंट पे, यहाँ पे गया बैकग्राउंड पे, फाइल पे क्लिक करा, यहाँ पे जो भी आपकी इमेज रखी हुई हो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, देन इंसर्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, शीट पर इमेज आ चुकी है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे कंट्रोल पी करूँ तो मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी इमेज नजर नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड हमारी प्रिंट लेआउट पर नजर नहीं आती। देन कंट्रोल सेट, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह हमारे पास आ रहा है प्रिंट टाइटल, प्रिंट टाइटल आपस क्या, प्रिंट एरिया हम देख लेते हैं। आगे प्रिंट एरिया क्या होता है हमारे पास, अभी बिल्कुल मैंने क्या करा कंट्रोल पी, तो क्या हो रहा है मेरे पास पूरी शीट क्या हो रही है प्रिंट के लिए आ रही है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि मैं मुझे सिर्फ स्पेसिफिक एरिया प्रिंट करवाना है, मींस कि मैं क्या चाहता हूँ हेडिंग आए और उसके साथ साथ एम्प्लॉय, उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे वन और टू का डेटा नजर आए बस, बाकी का डेटा क्या हो नजर ना आए, तो आप क्या करेंगे, मैंने उस एरिया को क्या करा पहले सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद आप कहाँ चले आएंगे प्रिंट एरिया में, प्रिंट एरिया क्या कर देंगे सेट प्रिंट एरिया में, क्लिक कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कंट्रोल पी, तो आप देख सकते हैं सिर्फ वही एरिया आपको नजर आएगा प्रिंट पे जो आपने सेट प्रिंट करवाया होगा, ठीक है। देन इसी तरह आप कोई भी एरिया आप क्या कर सकते हैं प्रिंट के लिए ले सकते हैं। देन अगेन सिलेक्ट करा, देन क्या कर दिया मैंने क्लियर प्रिंट एरिया कर दिया, मीन्स तो वापस मैंने इसको हटा दिया, अब नॉर्मल मेरे पास पूरी की पूरी शीट प्रिंट होकर आएगी। नेक्स्ट उसके साथ हमारे पास आ रहा है स्केल टू फिट। स्केल टू फिट क्या करता है, विद अगर आपको अपने कोई एरिया जो आ रहा है जो बच रहा है, जो एरिया स्किप हो रहा है कि प्रिंट पर नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल ये जो एरिया था दो कॉलम जो है हमारे पास स्किप हो रहे हैं, मतलब प्रिंट पर नहीं आ रहा है, तो उसको अगर आपको कवर करना है कि आप चाहते हैं वो भी एरिया मेरे पास आ जाए प्रिंट लेआउट पे, तो आप क्या करेंगे, अभी ये एरिया क्या है मेरे पास विद है, विड कम पड़ रही है, तो मैं क्या कर दूंगा विड ऑटोमेटिक है, विड पे क्या कर दूंगा वन पेज। जैसे मैं इसको वन पेज करूंगा तो आप देख सकेंगे ये एरिया जो आ रहा है डॉटेड लाइन वाला एरिया वो यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे किया वन पेज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन डॉटेड वाली हट गई। अब मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो जितनी भी मेरे पास एक पेज शीट पर होगी लिखी हुई शीट होगी वो तमाम के तमाम मेरे पास एक पेज पर आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज पर डे आ गया, पर आवर भी यहाँ पे आ चुका है। से अब ये रहता है जितनी भी बड़ी शीट होगी वो एक पेज पर आप आसानी लेकर आ सकते हैं। इसी तरह पर अगर हाइट अगर आपके पास नहीं आ रही है, जितना आपका डेटा और ज्यादा हो, यहाँ पर बिल्कुल 10 है, 10 है, तो आपके पास ज्यादा डेटा है, वो डेटा आपकी हाइट में कट रहा है, तो आप उसको भी क्या कर देंगे यहाँ पे आकर वन पेज, तो आप वो भी क्या होगा हाइट में भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप क्या कर सकते हैं कोई भी अपनी शीट को वन पेज पर आसानी लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसी तरह हम आगे, अब यहाँ पे आ रहा है ग्रिड शीट ऑप्शन, ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन मीन्स व्यू पे चेक लगा हुआ है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करूँ यहाँ पे वापस मैं आके कर देता हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिक, ठीक है। देन हमें आके आते हैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कंट्रोल पी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ग्रिड लाइन नजर नहीं आ रही, मतलब मीन्स के सेल नजर नहीं आ रहे, ब्लैंक सेल आ रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं चाहता हूँ प्रिंट लेआउट पर मेरे पास क्या है शीट पे सेल भी नजर आए यहाँ पे ग्रिड, इसको कहते हैं ग्रिड, ग्रिड सेल भी नजर आए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंट पर क्या कर देंगे चेक लगा देंगे। जैसे प्रिंट पे चेक लगाया मैंने, अब क्या होगा प्रिंट पर भी कंट्रोल पी करा, तो आप देख सकते हैं जो एरिया जहां तक मेरे पास शीट होगी उस एरिया तक क्या होगा मेरे पास ग्रिड लाइन शो हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास हेडिंग। हेडिंग व्यू है, चेक लगा है, व्यू मतलब नजर आ रही है, ये हेडिंग है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा चेक हटा दूंगा तो क्या होगी हमारे पास हेडिंग क्या होगी हाइड हो जाएंगी। इसी तरह व्यू पे चेक लगा हुआ, चेक हटा दूंगा तो ग्रिड लाइन भी क्या होंगी हाइड हो जाएंगी। चेक लगा दिया मैंने, अगर यहाँ पे मैं क्या चाहूँ चेक लगा दूं तो मेरे पास हाइड हो गई, अनहाइड हो गई, शो होने लग गई। नेक्स्ट उसके बाद मैं अगेन कंट्रोल पी कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे सिर्फ कैसे नजर आ रही शीट और ग्रिड लाइन नजर आ रही है। मैं चाहता हूँ इसके साथ साथ मेरे पास सेल के एड्रेस भी शो हो, तो आप क्या करेंगे वहां जाकर क्या कर देंगे प्रिंट पर चेक लगा देंगे। अब अगेन क्या करता हूँ मैं कंट्रोल पी, तो अब आपको क्या होगा नजर आएगा एरिया भी नजर आएगा एड्रेस हमारे पास, ठीक है। इस तरह भी आप क्या करवा सकते हैं अपनी शीट को प्रिंट करवा सकते हैं बआसानी, नहीं करवाया तो चेक हटा देंगे, तो अब मेरे पास प्रिंट लेआउट पर कुछ भी वो ना हमारे पास एड्रेस नजर आएंगे ना ही ग्रिड लाइन नजर आएगी, सिंपल आपकी शीट नजर आएगी, ठीक है। वही चीज आप यहाँ से भी एडजस्ट करवा सकते हैं अपनी शीट को, लेटर साइज वगैरह लेना पेज का या पोर्ट्रेट या हॉरिजॉन्टल करना आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये था हमारे पास आज के टॉपिक में, हमारे पास पेज लेआउट हमने स्टडी किया।
उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी वीडियो, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।